राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है किशोर बच्चों हेतु मनोरंजन और ज्ञान से भरपूर रेडियो पत्रिका किशोर जगत। किशोर जगत में आइए सुनते हैं कार्यक्रम किशोर उम्र के बच्चों के लिए प्रेरणा गीत। इन गीतों के रचयिता हैं वयोवृद्ध शिक्षक एवं कवि श्री वेदव्यास जी। मैं एक शिक्षक हूं, छात्र मेरे गीतों की प्रेरणा रहे हैं। जब जब मैंने छात्रों से कुछ कहना चाहा, गीत उसका माध्यम बने। गीत के विषय में कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे गीत के मूल भाव से बच्चों को परिचित कराना और गीत के सस्वर वाचन के समय शब्दों के स्पष्ट उच्चारण, उन पर उचित बल और सुर लय ताल गति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। गीत के स्थायी भाव को बार बार दोहराए जाने से उसके मूल भाव का प्रभाव देर तक कानों में गूंजता रहता है। स्थायी के बाद अंतरा आता है। अंतरे में मूल भाव के विभिन्न रूप और रंग अपनी अपनी छटा दिखाते हैं। स्थायी और अंतरे के सुर और शब्द मिलकर ही किसी गीत की पहचान बनते हैं। गीत गायन के लिए संगीतज्ञ या शिक्षक की मदद ली जा सकती है। समूह गान सब विद्यार्थियों को जोश और उत्साह से भर देता है। बच्चों, तीन रंगों का हमारा तिरंगा झंडा हमारे देश की आजादी का प्रतीक है। मुझे यह एहसास हुआ कि हमारे देश की आन बान शान का प्रतीक यह हमारा तिरंगा लहरा नहीं रहा, अपितु किसी दर्द से फड़फड़ा रहा है। मैं चाहूंगा यह विप्लव गीत तुम्हारी चेतना जगाए और तुम्हें भारत को बदलने की ताकत दे। आओ ये गीत सुने। कान दे के सुन जरा, कह रहा तिरंगा क्या। कान दे के सुन जरा, कह रहा तिरंगा क्या। कह रहा है कुछ तुझे, ध्यान दे के सुन जरा। कह रहा है कुछ तुझे, ध्यान दे के सुन जरा। ध्यान दे के सुन जरा, ध्यान दे के सुन जरा। तेरी जब कलम शत्रु है हुंकार पे, क्रुद्ध नाग से खड़े बेवजह हुंकार पे। हद पे तेरी जब कलम शत्रु है हुंकार पे, क्रुद्ध नाग से खड़े बेवजह हुंकार पे। तब तलक न मेरे आगे कोई गीत गा, कह रहा है कुछ तुझे, ध्यान दे के सुन जरा। कह रहा है कुछ तुझे, ध्यान दे के सुन जरा। अभी आप सुन रहे थे ये गीत
विषय संयोजन डॉक्टर कामिनी भटनागर, काव्य रचना एवं निवेदन श्री वेद व्यास, संगीतकार संतोष कुमार, गायन स्वर देवाशीष चक्रवर्ती, संतोष कुमार, शोभना राव और बच्चे, ध्वनियांकन दीपक पांडे और अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।